वेलकम बैक फ्रेंड, मैं नंद श्रीवास्तव आपके यूट्यूब चैनल इंडलेस स्टडी सेंटर पे आप सभी दोस्तों का स्वागत करता हूं। और आज मैं बात करने वाला हूं एडेड जूनियर स्कूलों में जो भर्ती होने वाली थी प्रबंधकीय की, यानी मैनेजमेंट की जो प्रबंधकीय विद्यालय में भर्ती होने वाली थी। इसके पहले मैंने एक वीडियो बनाया हुआ था जिसमें आप लोगों को मैंने बताया हुआ था कि 15 अक्टूबर से इसके विज्ञापन जो है निकाले जाएंगे और ये भर्ती जो होगी 6th to 8th प्रबंधकीय विद्यालय यानी गवर्नमेंट विद्यालय में होगी, जो कि गवर्नमेंट द्वारा सहायता प्राप्त विद्यालय होते हैं। इसमें उच्च प्राथमिक का आपके पास टेट या सीटेट होना चाहिए और ये भर्ती 15 अक्टूबर से विज्ञापित होगी और लास्ट डेट जो इसकी थी 31 जनवरी 2019 तक फाइनल प्रक्रिया पूरी करनी थी। लेकिन प्रबंधकीय तंत्र अभी तक भी मतलब पूरे अपने यहाँ जैसे जो विभाग था उसने मांगा हुआ था कि किस विद्यालय में कितने शिक्षकों की कमी है, तो ये बार बार लेट कर रहा है प्रबंधकीय तंत्र जो है, तो इसलिए फिर से एक महीने की और डिले कर दी गई है। यानी विज्ञापन तो तय समय पर आएगा, 15 अक्टूबर तक विज्ञापन करना होगा और 15 नवंबर तक स्कूलों के प्रबंध तंत्र चयन की प्रक्रिया पूरी करेंगे और जो लास्ट डेट था 31 जनवरी तक सारी प्रक्रिया जो है पूरी कर ली जाएगी। अब उसको थोड़ा सा बढ़ा दिया गया एक महीने और, यानी कि 31 जनवरी तक बेसिक शिक्षा अधिकारी चयन को अनुमोदित करेंगे, वहीं 28 फरवरी तक चयन पत्र जो है बांट दिए जाएंगे। पहले ये जो डेट थी वो 31 जनवरी थी, यानी 31 जनवरी तक तो है जो है चयन पत्र यानी अलॉटमेंट लेटर जो है बांटना था, अब इसको एक महीने और बढ़ा दिया गया है। अब जो रहेगा ये 28 फरवरी तक जो है आप लोगों को अलॉटमेंट लेटर मिल जाएगा जो इसमें सेलेक्टेड कैंडिडेट होंगे। देखिए ये भर्ती जो है इसमें कोई रिटर्न एग्जाम नहीं होता है, क्योंकि इसके पहले वाले वीडियो में बहुत ढेर सारे कमेंट आ रहे थे किस प्रोसीजर पे होगा। तो देखिए इसके लिए प्रबंधकीय तंत्र जो है न्यूज़पेपर में जो है विज्ञापन प्रकाशित कराएगा, दो न्यूज़पेपर में, एक आपका लोकल का न्यूज़पेपर होता है और एक आपका प्रदेश स्तरीय समाचार पत्र होता है, तो दोनों में प्रकाशित कराएगा। अब मान लीजिए बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ एप्लीकेशन आ जाते हैं, मान लीजिए किसी विद्यालय में 2 सीटें खाली हैं और वहाँ पर मान के चलिए सपोज करिए कि 100 जो है 100 एप्लीकेशन आ गए, तो फिर क्या करेगा वो एक तरीके से पहले एक मेरिट के अकॉर्डिंग शॉर्ट लिस्ट करेगा, यानी एक पद के लिए 3 या 4 एप्लीकेशन को रखेगा और उसके बाद एक नॉर्मल मतलब एक कोरम वाला कह सकते हैं इंटरव्यू होता है जिसमें जो है सिलेक्शन बहुत ज़्यादा निर्भर करता है मैनेजमेंट कमेटी पर और इसमें मैनेजमेंट कमेटी जो है जिसको चाहेगी उसको सेलेक्ट कर सकती है। ठीक है, तो मैं ज़्यादा यहाँ पे इस पॉइंट पे डिस्कस नहीं करूँगा कि मैनेजमेंट कमेटी कैसे सेलेक्ट करती है। आज के टाइम में अगर आप रोज़गार हो जाते हैं कुछ ले देकर भी तो उसमें कोई बुरा नहीं है, ठीक है ना, तो आप लोग प्रयास करिएगा। और इसके पहले जो वीडियो मैंने पूरा उसमें डिटेल्स बताया हुआ था तो उसकी मैं लिंक दे दूँगा इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहाँ से जाके सारी पूरी प्रक्रिया देख सकते हैं, बशर्ते एक महीने का डेट जो है एक्सटेंड हुआ है और वो आप लोगों को अपडेट करना था। तो अब जो है फाइनल अलॉटमेंट की डेट जो हो गई है वो 28 फरवरी 2019 हो गई है, इसके पहले अलॉटमेंट की डेट जो थी वो 31 जनवरी 2019 थी, बाकी सारी चीज़ें सेम उसी डेट वाई डेट पे होंगी। तो आज के लिए यही अपडेट थी, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका, थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों, थैंक यू। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, उससे संबंधित अपने व्हाट्सएप या भी ग्रुप में जरूर शेयर करिएगा।